नौमान अली ख़ान, उनको दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और आप हजरात से मुखातिब हों। जनाब उस्ताद नौमान अली ख़ान। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. Okay. Oh, I'm not going to. Yeah, maybe get off that. Okay. No thanks. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين رب العالمين. आज जो मुख्तसर सी बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैंने जहाँ जहाँ जाकर बहुत सारे लोगों से बात की है, उनके सवालात सुने हैं, तो एक चीज़ सामने वाज़े आई है कि बहुत सारे लोगों को आप में से ये एहसास होता है कि आपका जो मसला है वो बहुत ही यूनिक है और ऐसा मसला किसी और का नहीं है। तो जब तक आप पूरी कहानी किसी को नहीं समझा दोगे तो उसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। और ये बात ठीक है कि आपकी सिचुएशन या किसी और की सिचुएशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हर एक के पेरेंट्स एक जैसे नहीं होते, हर एक की शादी एक जैसी नहीं होती, हर एक के बहन भाई एक जैसे नहीं होते, हर एक के मसाइल एक जैसे नहीं होते। अल्लाह ताला ने हर इंसान की ज़िंदगी का जो किस्सा बनाया है उसमें उसने जो लोग डाले हैं, उसके अंदर जो सलाहियत डाली है, उन सब में फ़र्क है। तो हर एक का मामला एक तरह से तो बिल्कुल ही मुनफरद होता है। लेकिन एक बात जो सामने आती है कि हमें इस बात का ख्याल इतना वाज़े नहीं है कि क़ुरान ने ज़्यादातर हमें कुछ कानून दिए हैं, कुछ उसूल दिए हैं। वो उसूल अगर वाकई में समझ आ जाए तो हज़ार मुख्तलिफ सिचुएशंस समझ में आ जाती हैं। यानी सिचुएशन मुख्तलिफ किस्म की भी हो, आपको कोई ढूंढ के कहीं मुश्किल से कोई हल नहीं निकालना पड़ेगा अगर ये उसूल जहन में सामने रहें। और कुरान के कई कई मकामात पर इस तरह के उसूलों का जिक्र है और एक उसूल इस आयत में है जिसको मैं आज थोड़ा सा बयान करने की कोशिश करूँगा। ये आयत है 135 सूरतुल निसा की। अल्लाह ताला इसमें हमें इंसाफ का हुक्म दे रहे हैं। कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुनू क़वामीना बिलक़िस्त शुहदा अलिल्लाह। दोस्त, तुम लोग जो ईमान का दावा करते हो या ईमान ला चुके हो, क़वाम बनो। पहली बात कही है क़वाम बनो। क़वाम सीरतुल मुबालगा है और ये इसके लिए इस्तेमाल होता है जो चीज़ बार बार की जाती है। जैसे खब्बाज रोटी बार बार बनाता है, कस्सास गोश्त को बार बार काटता है, क़वाम कुछ करने वाला जो बार बार उस चीज़ को करे। जब बा आता है इसके साथ तो करने के लिए कहते हैं, काम अभी ही उसने कुछ किया। तो जो कुछ अल्लाह ताला हमें करने को कह रहे हैं यहाँ पर वो ऐसी चीज़ है जो एक दफ़ा में नहीं होती, वो बार बार करनी पड़ती है। कल की थी तो आज दोबारा करनी पड़ेगी, परसों दोबारा करनी पड़ेगी। तो ये पहली चीज़ मैं आपके जहन में डालना चाह रहा हूँ। इसकी तरफ हम वापस बाद में आएंगे, इस दर्स की तरफ। जैसे जैसे इस आयत की के अल्फाज को हम खोलते जाएंगे इस बात की तरफ हमें वापस आना पड़ेगा कि जो चीज़ जिस चीज़ का अल्लाह हमें हुक्म दे रहा है वो रिपीटेड है, वो बार बार है, वो एक दफ़ा में हल नहीं होती। कुनू क़वामीना, ये नहीं कहा कुनू क़ाइमीना, कहा कुनू क़वामीना बिलक़िस्त शुहदा अलिल्लाह। क़िस्त का लफ्ज़ आमतौर पर हम उर्दू में इंसाफ के लिए, अदल के लिए, ये अल्फाज आपस में एक जैसे ही मालूम होते हैं, लेकिन किस्त असल में अरबी में कहते हैं ज़्यादती से बचने को।
तो कासित अरबी में ज्याती करने वाले को कहते हैं और मुकसित ज्याती से हटने वाले को कहते हैं, इसीलिए उसको आदिल कहा जाता है। तो यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि फेयर बात करें, ये कहा जा रहा है कि आप बहुत एहतियात करें कि आपसे ज्याती ना हो जाए, यानी आपके जहन में अदल कम है, ज्याती ज़्यादा है और ज्याती का एहसास है। तो अब आप अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला कह रहे हैं कुनू कवामीना बिलकिस्त, कि बार बार देखा करो हर जगह कि ज्याती तो नहीं हो रही, ज्याती तो नहीं हो रही, ज्याती तो नहीं हो रही, और जहाँ हो रही हो तो उसके खिलाफ खड़े हो जाओ, ज्याती ना होने दो। और अगर कल खड़े हुए थे तो अब मैंने तो जो कहना था मैंने कह दिया, अब दोबारा क्या खड़ा होना, कल दोबारा यही मसला होगा, दोबारा खड़ा होना पड़ेगा, फिर दोबारा खड़ा होना पड़ेगा, फिर दोबारा खड़ा होना पड़ेगा। कूनू कवामीना बिलकिस्त। अब आगे एक मज़ीद इजाफा भी कर दिया, शुहदा अलिल्लाह, अल्लाह को गवाह मानते हुए। इसके भी बहुत सारे फ़वाद हैं, एक फ़ायदे का मैं ज़िक्र कर दूँ, वो ये है कि असल में जब हम कोई बात सही बात करने से डरते हैं ना, जैसे मैं आम सी मिसाल देता हूँ, क्योंकि ये तो अब एक उसूल की बात हो रही है लेकिन साथ में प्रैक्टिकल एग्जांपल भी साथ चलती जाए तो बात समझ में आ जाती है। फ़र्ज़ करें स्कूल में बच्चा है और उसका कुछ और बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं, उसको बुली कर रहे हैं, और मैं भी उस क्लास में हूँ, मैं देख रहा हूँ कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, और मेरे दिल में ख्याल आता है मुझे कुछ कहना चाहिए, मुझे उनको रोकना चाहिए, या मुझे उसका हाथ पकड़ के उसको कहीं और ले जाना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए। फिर मुझे ख्याल आता है अगर मैं करूँगा ना तो मेरी बारी अगली होगी, वो एक की बजाय दो का मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे, मेरे पीछे पड़ जाएंगे, मैं खामखा क्यों अपने मोल मुसीबत लूँ, जो बैठे रहो, जो हो रहा है होता रहे, बाद में उसकी जाके ताज़ियत कर देना, कोई बात नहीं मेरे साथ भी होता था पिछले साल, ये कह देना। अभी बीच में मत पढ़ो, अभी बीच में पढ़ोगे तो अपने ऊपर मुसीबत आ जाएगी। अगर ये आयत समझ में आ रही है तो उसी वक्त खड़ा होना पड़ेगा। अब बच्चों की मिसाल तो आसान है, मैं एक और मज़ीद कॉन्ट्रोवर्शियल मिसाल आपको देता हूँ, क्योंकि मैं जो चीज़ आप लोगों से सुन रहा हूँ उसी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ और ये सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका हलम इकट्ठे कैसे निकालें। मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने आके बताया कि उनकी एक यूनिवर्सिटी में लड़के लड़कियाँ सारे क्लास में हैं और जो उनके प्रोफेसर हैं वो लड़कियों से बेहुदा बातें करते हैं और उनकी आदत जो है वो डिस्टर्बिंग किस्म की है, और सारे लड़के बहुत डिस्टर्ब होते हैं ये देख के, लेकिन उन्हें कुछ कहने से डर लगता है, क्योंकि अगर वो कहेंगे तो जो मुंह खोलेगा उसको कॉलेज से निकाल देंगे, उनके ताल्लुकात हैं आगे, वो किसी को कंप्लेंट कर देंगे या उसको फेल कर देंगे, कुछ कर देंगे। तो अब वो बेचारा लड़का देख रहा है कि उसकी इस्लाम में वो उसकी बहनें हैं और उनके साथ ऐसी हरकतें हो रही हैं उसके सामने, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता, उसके हाथ बंधे हुए हैं। और ये बात ठीक है कि अगर एक इंसान खड़ा हो जाए तो लगेगा कि क्या होगा उसके साथ, क्या होने वाला है उसके साथ, मैं तो नहीं कर सकता। एक और खातून मुझे मिली जो अपने प्रोफेशन के अंदर मेडिकल प्रोफेशन में है, हॉस्पिटल में काम करती हैं, और कहती है मेरे सामने जो करप्शन हो रही होती है और मुझे कहा जा रहा था कि ये इक्विपमेंट जो है ये फॉल्टी है, अगर ये इस्तेमाल होगा तो पेशेंट्स का नुकसान होगा, लेकिन ये हमें डिस्काउंट पे मिल रहा है, इसको आप अप्रूव कर रहे हैं, और नहीं करेंगी, अगर नहीं करूँगी तो वो मुझे खा जाएंगे, मेरा करियर ख़त्म कर देंगे, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, तो अब मैं क्या करूँ, मैं कुरान भी पढ़ रही हूँ, मैं दीन भी पढ़ रही हूँ, और साथ में जब ये ज़्यादती हो रही है तो मुझे चुप करके साइन करने पड़ते हैं, मैं क्या कर सकती हूँ। तो अब हम एक ऐसा कल्चर बन चुके हैं जिसमें या क्लासरूम हो या खेल का मैदान हो बच्चों का या ऑफिस हो, और फिर एक और मिसाल भी ले आते हैं, या घर के अंदर कुछ हो रहा हो, घर के अंदर हमें तो सिखाया गया है माँ की इज्जत करो, बाप की इज्जत करो, बड़ों की इज्जत करो, लेकिन इज्जत से मतलब ये तो नहीं है कि वो जो चाहें करें, ऐसा तो नहीं है। मेरे फादर, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उनको कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसा करते नहीं हैं, लेकिन उनको कभी भी ये हक नहीं होगा कि वो मेरी माँ की तौहीन करें, अल्लाह ने उन्हें हक ये हक तो अल्लाह ने उन्हें दिया नहीं है। अगर वो कर रहे हैं, मेरी अम्मी को वो डांट रहे हैं या गालियाँ दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं, किसी के फादर कर रहे हैं, और आपको नहीं, वो बिल वालिदैन एहसाना, हमें खामोश रहना चाहिए, बड़े हैं वो कहेंगे तुम क्या बदतमीज़ हो गई हो, नाफरमान हो गई हो, या नाफरमान हो गए हो, तुम बीच में कुछ नहीं कह सकते। तो हमें अब ये फैसला करना होगा एक कौम के तौर पे कि या तो हमें खड़े हो जाना है, जो कुछ होता है हो, जो होता है हो, और बाकी सबको नहीं देखना। क्योंकि होता ये है कि अगर मैं खड़ा हो भी जाऊँ क्लास में और कहूँ ये आप नहीं कर सकते,
तो और कोई लड़का खड़ा नहीं होगा और किसी की हिम्मत नहीं होनी, मारा मैं ही जाऊंगा, मुझे ही ज़िबा करना है सबने। जब ये ज़हनियत आपके अंदर आ गई ना, तो आप सब लोगों को गवाह देख रहे हो, अल्लाह को नहीं देख रहे। यहाँ क्या कहा है, कुनू कवामीना बिलकिस्ती शुहदा अल्लाह। एक गवाह की ज़रूरत है आपको, वो अल्लाह है, वो देख रहा है, बस मेरे लिए काफ़ी है। अल्लाह पर ईमान जो है ना, इसको हम एक रूहानी चीज़ समझते हैं। नमाज में अल्लाह पर ईमान की बात हो का जहन में ख्याल होता है, जिक्र कर रहे तो जहन में ख्याल होता है, ऐसा कोई लेक्चर हो रहा है तो अल्लाह को याद किया जा रहा है। लेकिन अल्लाह को कॉलेज में भी याद किया जाता है, दुकान में भी याद किया जाता है, घर में झगड़ा हो रहा था तब भी याद किया जाता है। उस वक्त जब इंसान पीछे हट जाता है और अल्लाह को गवाह नहीं मानता, उस वक्त लोगों की गवाही की उसको ज़्यादा फिक्र हो जाती है, तो फिर ये शुहदा अलिल्लाह का हक अदा नहीं हुआ। और फिर आगे कह दिया वलौ अला अनफुसिकुम, ये सबसे मुश्किल मरहला है। किस्त नाइंसाफी के लिए या गलत बात को रोकने के लिए खड़े हो जाया करो, बार बार खड़े हो जाया करो, चाहे कि वो तुम्हारे अपने खिलाफ जा रही हो बात, चाहे तुम्हें नुकसान पहुंच रहा हो या गलती तुम्हीं ने की हो। अगर मैंने कोई गलती की है तो उसकी जिम्मेदारी भी मुझे ही लेनी, ये नहीं सोचना किसी ने देखा तो नहीं, चलो खैर बचत हो गई। मुझे अपने ऊपर भी जिम्मेदारी करनी है, क्योंकि मैं अपना भी मालिक नहीं हूँ, मेरा रब मेरा मालिक है और उसने मुझे कहा है, किसी और ने देखा ना हो या देखा हो या ना देखा हो, मैंने देखा है। वलौ अला अनफुसिकुम, और फिर क्या इजाफा किया, अवैल वालिदैन, या दोनों वालदैन के खिलाफ भी खड़ा होना पड़े, खड़े हो जाओ। इंसाफ के मामले में, ज्यादती के मामले में, अगर माँ से ज्यादती हो रही है, बाप से ज्यादती हो रही है, चचे से ज्यादती हो रही है, दादा से ज्यादती हो रही है, या मुझसे खुद से ज्यादती हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ने कहा खड़े हो जाओ, और एक दफ़ा नहीं बार बार खड़े हो जाओ। एक दफ़ा खड़े होकर सही किस्म की मिर्चों वाली डांट पड़ेगी ना, एक आध थप्पड़ भी पड़ जाएगा तो होश ठिकाने आ जाएंगे। फिर अगली दफ़ा वही सीन हो रहा है तो ख्याल आएगा इस दफ़ा नहीं खड़े होना, पहली दफ़ा बहुत पड़ गई थी, अब दोबारा नहीं करना। उसके जवाब में पहले मैं ले जाता हूँ कवामीन का माना क्या था, किसी चीज़ को क्या करना, बार बार करना, मुझे ढीठ होना पड़ेगा इंसाफ के लिए, गालियाँ खाने की आदत डालनी पड़ेगी, मार खाने की आदत डालनी पड़ेगी, लेकिन मैंने पीछे नहीं हटना, जो गलत है वो है। किस्त के मामले में हमें हमेशा ख्याल आता है, एक बात जो आम तौर पे हम नहीं करते वो भी मैं आपके सामने रख दूँ। एक बच्ची ने मुझे आके कहा कि मेरे फादर मेरे साथ ऐसे ऐसे करते हैं, मुझसे ऐसे ऐसे बात करते हैं, मुझे बहुत डिप्रेशन हो जाती है और मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मुझे तो लगता है क्योंकि मेरे वालदैन मुझसे खुश नहीं है तो अल्लाह भी मुझसे खुश नहीं है। क्योंकि वालदैन को एक ख़ास, इसका मुझे अभी तक इल्म नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान में वालदैन को एक ख़ास वही आई है गालबन, कि जब तक आप नहीं खुश होंगे अल्लाह भी खुश नहीं होगा। वो एक ख़ास आपको कहीं से पैगाम पहुँचा है और अल्लाह ताला की तरफ से ही पहुँचा है गालबन, क्योंकि अल्लाह के बारे में आपने बहुत बड़ा ठेका बना लिया है कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो अल्लाह खुश नहीं होगा, यानी अल्लाह की रज़ा मेरी रज़ा में है। माशाल्लाह, हर इंसान को अल्लाह की रज़ा की तलाश है, सिवाय हम पाकिस्तानी वालदैन के, उनके पास पहले ही अल्लाह की रज़ा, उनकी मर्ज़ी में अल्लाह की रज़ा है। अब वो बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ आपसे कहते हैं, देखो ये बात करोगे ना अल्लाह तुम्हारी सारी ज़िंदगी में बरकतें डाल देगा, मेरी बात मान लो, देखना सारी ज़िंदगी सवार हो जाएगी जैसे मेरी हुई है। ये जो इसको मैं कहता हूँ रिलीजियस ब्लैकमेल, यानी मजहब के नाम पे, खुदा के नाम पे ब्लैकमेल। और फिर कुरान बाकी कोई नहीं आता, बस एक आया थोड़ी सी याद है, वो बिल वाली दे नहीं उफसाना, बस इतना पता है, कुरान को नहीं पता, वो भी इसलिए पता है कि अपनी बात मनवानी है। तो इसके ताल्लुक से एक बात आप ज़रा थोड़ी सी सोच लो अपने बारे में भी। अगर आप किसी बच्चे पर ज्यादती होते देखो, आपको तरस आएगा? अगर किसी बच्चे का बाप या उसकी माँ उसको नाजायज़ तौर पर टॉर्चर कर रही है, उसको ह्यूमिलिएट कर रही है, सबके सामने उसको शर्मिंदा कर रही है, रुला रही है, आपको तरस आएगा कि नहीं? आप क्या उस बच्चे से जाके कहोगे गलती तो तुम्हारी है ना, आप ये कहोगे? अब कोई ख़ास किस्म की आपकी नफ्सियाती बीमारी होगी कि आप उस बच्चे को ब्लेम करोगे? वाज़ेह होगा आपको कि ये ज़्यादती कौन कर रहा है, माँ कर रही है या बाप कर रहा है, वाज़ेह होगा ना? लेकिन जब आपके साथ ज्यादती की जा रही होती है ना, तो आपको पता है क्या पढ़ाया हुआ है, क्या पट्टी पढ़ाई हुई है, गलती किसकी थी? मेरी थी।
मैंने गलती की, वो तो अल्लाह ही मुझसे नाराज़ होंगे इसलिए वो नाराज़ है, मेरे अंदर ही कोई ख़राबी है। आपको इतनी बार ये चीज़ पढ़ाई गई है कि आपको बाकी सब पे रहम आ जाता है, किस पे नहीं आता? अपने आप पे नहीं आता। वला तंसा नसीबका मिन दुनिया, अपना हिस्सा मत भूलना दुनिया में, तुम्हारा भी एक हिस्सा है, तुम्हारी भी एक इज्जत है, तुम्हारा भी एक हक है, तुम भी एक इंसान हो, तुम्हें भी इज्जत की ज़रूरत है, तुम्हें भी रहमत की ज़रूरत है, तुम्हें भी शफकत की ज़रूरत है। तुमसे नाइंसाफ़ी होती है तो वो गलत है, किसी की तरफ से भी आए वो फिर भी गलत है। अल्लाह ने जो बड़ी बड़ी मिसालें कुरान में दी हैं ना, बड़े बड़े अंबिया की, रसूलों की, उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं उनके घर वालों से हुई हैं। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी से हुई है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद से हुई है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों से हुई है, सारी ज़्यादतियाँ रिश्तेदारों से ही हो रही हैं, रसूल अलैहिस्सलाम के चचों से हो रही हैं, यही हो रहा है ना। तो आपके जहन में आता है कि ये सब कुछ हमारी फैमिली में ही क्यों होता है, हमारी फैमिली बाकियों की तरह नॉर्मल क्यों नहीं हो सकती? उसके पेरेंट्स तो बहुत अच्छे हैं, उसके पेरेंट्स तो इतने खुश लगते हैं, वो तो इतने लकी हैं, हम क्यों ऐसे हैं? मैं आपको साफ साफ बता दूं, कोई भी लकी नहीं है। तो वो सब तस्वीर ऐसे खींच के ना, इतना फ़ोटो लेनी है, फिर वाकई से दोबारा असलियत पे आ जाते हैं। एक दफ़ा मैं कैनेडा में था, नायग्रा फॉल्स के पास, तो एक माँ और एक उसका टीनेज बेटा आपस में लड़ाई कर रहे थे, नॉन मुस्लिम्स, आई हेट दिस प्लेस, आई डोंट वांट टू बी हियर, आई वांट टू गो होम, शी इज लाइक शट अप, एंड शी इज यलिंग एट देम, एक दूसरे लड़े लड़े लड़े। उनके पास एक सेल्फी स्टिक थी, वो तैयारी करके आए थे, ओके लेट्स गो, लेट्स जस्ट टेक द पिक्चर। और फिर दोबारा लड़ाई करते करते वो चले गए। आप लोग नायग्रा फॉल्स पे ही नहीं करते, आप शादियों पे ये करते हो, शादी पे जा रहे हो तो रास्ते में जो लड़ाइयाँ गाड़ी में हो रही होती है ना, सबको पता है, और वहाँ जाके कितनी अच्छी फैमिली है देखो इनकी, हम ऐसे क्यों नहीं हो सकते? अल्लाह ताला ने जो बात कही है ना कि इंसाफ के लिए खड़े हो जाया करो, उस इंसाफ में आप खुद भी शामिल हो, अपने खिलाफ भी नहीं अपनी हिमायत में भी। किसी के साथ भी ज्यादती हो रही हो तो उसको अपने लिए खड़े होने का हक है, इसमें बदतमीजी नहीं होती, ये बदतमीजी नहीं है, ये इंसाफ का तकाजा है। अविल वालिदैन, चीज़ असल चीज़ क्या है, क्या नाइंसाफ़ी है कि नहीं, ये उसूल है, ये असल बात यह है, क्या जो मैं बात कर रहा हूँ ये जायज़ है कि नहीं है, क्या ये मेरा इंसानी बुनियादी हक है कि नहीं है, इस मामले में अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है या नहीं दिया। हमने ये असम्पशन कर ली है कि कुछ मामलों में मेरा कोई इख्तियार नहीं, और इस चीज़ को हम इतना एक्सट्रीम पर ले जा चुके हैं कि हमने अब मैंने नौजवान बड़े लड़कों को देखा है, मैंने मुस्लिम कंट्रीज़ के, मुस्लिम कल्चर्स के तकरीबन तमाम कल्चर से मेरा वास्ता हुआ है, जगह जगह मैंने दुनिया में देखी है, जो हमारे यहाँ होता है वो मैंने कहीं नहीं देखा। 30-35 साल का लड़का कमाई कर रहा है और पे चेक अपने वालिद के अकाउंट में डिपॉजिट करता है, और उसमें से वो उसको जेब खर्च निकाल के देते हैं, ये जाके अपनी बेटी के लिए आइसक्रीम ले आ जाकर। बाप ने कहा हुआ ये जो तुम माल कमा रहे हो ये मेरा है, ये मेरा है, और वो कह रहा है वालदैन का हक बनता है तो इसलिए मैं करता हूँ। और फिर वो बता रहे हैं उसको कि उसने बीवी से कैसे बात करनी है, बच्चों से क्या करना है, कमाई कैसे करनी है, रहना कहाँ पे, वो एक औलाद नहीं है उसकी, वो रिमोट कंट्रोल का एक पुतला है, और यहाँ तक कि जब उसकी शादी भी होगी ना तो उसकी मर्ज़ी से नहीं होगी, अगर वो किसी को पसंद करता भी हो जायज़ तरीके से और कहे मैंने यहाँ शादी करनी है, नहीं ये नहीं होगी, उसकी असल वजह पता क्या होती है, क्योंकि वो उसको पसंद है, जो पसंद है वो नहीं करनी। मैं बता दूँ क्यों नहीं करनी, क्योंकि जो पसंद है अगर उससे कर ली तो फिर वो हमारी पकड़ से निकल आएगा। अगर ऐसी जगह शादी करा दो जहाँ उसकी पसंद नहीं है तो वो वहाँ पे मिज़रेबल होगा, जब मिज़रेबल होगा तो कंफर्ट के लिए कहाँ आएगा, हमारे पास आएगा, और हम कंट्रोल को बरकरार रख सकेंगे। इट्स अ रियली मोबाइल वाली दे नहीं एहसान माशाल्लाह, सारे पेरेंट्स ऐसे नहीं होते, और आपको बाद में मेरे पेरेंट्स ऐसे बिल्कुल नहीं हैं कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग आगे ज़्यादा बढ़ के कहते हैं ना मेरे पेरेंट्स तो बहुत ही अच्छे हैं,
तो पता चल जाता है कुछ जी बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला ने वालदैन को बहुत ज़्यादा हुकूक दिए हमारे दीन में, लेकिन उन जो हुकूक दिए हैं ना उनका एक खुलासा है, और वो खुलासा असल में उसी आयत में है, उन्हीं आयत में है सूरतुल इसरा की, वक़बा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि इहसानन इम्मा यब्लुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ्फिन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ان تمام آیات میں کہیں اطاعت کا ذکر نہیں ہے، احسان کا ذکر ہے، آپ کی ہیوملٹی کا ذکر ہے، اپنی آواز نیچے رکھ کے بات کرنا، اونچی مت کرنا، ان کے سامنے اکڑنا مت، ان کو ڈانٹنا مت، ان کے ساتھ بدتمیزی مت کرنا، لیکن تمیز کے دائرے میں رہ کے نرمی سے بات کر کے اپنے حق کے لیے پھر بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے. یعنی جس اسلوب سے آپ نے بات کرنی ہے اس کو تو قرآن نے سمجھا دیا، اس طریقے سے بات کرنی ہے، اس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، وہ جیسے بھی ہو تم نے اپنے آپ کو غصے میں نہیں لانا، لیکن جو حق ہے وہ حق ہے. آپ الفاظ میرے نرم ہوں گے، بات پھر بھی میں نے سختی کرنی ہے، جو ہے وہ ہے، حق کو میں ٹیڑھا ادھر ادھر نہیں کر سکتا، جو غلط ہے وہ غلط ہے، اس سے میں نہیں ہٹ سکتا. اب دیکھیں اس کی جو میں چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کو دے رہا ہوں، آپ کا اپنے اوپر ایک حق ہے. اگر میرے فادر فرض کریں انہوں نے نہیں کہا، اگر کہتے مجھ سے کہ بیٹا جو تمہارا پے چیک ہے نا وہ ڈال دیا کرو میرے اکاؤنٹ میں، میں کہوں گا آئی لو یو ڈیڈ. نہیں، کیا مطلب نہیں؟ تمہیں نہیں پتا والدین کی، پیرنٹس کی کیا رسپیکٹ ہوتی ہے؟ جی مجھے پتا ہے، میں اس لیے تو رسپیکٹفلی کہہ رہا ہوں. نہیں، کیوں نہیں؟ پھر وہ جا کے کہیں سے سرچ کریں گے، کہیں اسلامی حوالہ دے کے، اسلامی حوالے کا تھپڑ بڑے مزے کا ہوتا ہے نا، تو اسلام تو ہم صرف حوالہ دینے کے لیے، کسی اور کو گلٹ کرنے کے لیے، کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب وہ بل والی دینی احساس چلا نہیں، کوئی اور مل جائے. او ایک حدیث مل گئی مجھے، انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے. انت و مالک لابیک، میں نے پھر آگے سے سوال پوچھا، اچھا اگر واقعی ہے تو جب ایک دن میری موت ہوگی، اللہ نے ہر ایک کو لینا ہے، تو میری جائیداد کا حصہ تو پھر 100% آپ کو جائے گا نا، کیونکہ اگر میں اور میری تمام دولت آپ کی ملکیت ہے تو جائیداد کا 100% آپ کو جانا چاہیے. قرآن تو کہہ رہا ہے آپ کو اتنا حصہ ملے گا، اتنا حصہ ملے گا، اتنا حصہ ملے گا. اگر یہ ساری پراپرٹی آپ ہی کی ہے تو قرآن میری جائیداد کو کیوں تقسیم کر رہا ہے؟ وہ تو آپ ہی کی ہے پھر، وہ تو میری ہے نہیں. اس کا تو مطلب ہے آپ کی کوئی پراپرٹی آپ کی ہے نہیں، آپ کے فادر کی ہے. آپ کے نام پہ کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، آپ کے فادر کے نام پہ ہوگی. اس کی کوئی تک بنتی ہے زندگی میں؟ کوئی گاڑی لی اپنے ابو کے نام پہ ڈال دو، کوئی گھر لیا اپنے ابو کے نام پہ ڈال دو، کوئی بینک اکاؤنٹ کھولا ابو کے نام پہ کر دو، ساری چیزیں ابو کے نام پہ کر دو. آپ کی کوئی ہستی ہے ہی نہیں، اور ابو کے پاس بھی نہیں رہی. اگر دادا حیات ہے تو ٹرانسفر اوپر اور ہو جائے گا، تو پھر میں کہوں گا اگر آپ کا ہے تو آپ کا تھوڑی ہے، وہ تو دادا کا ہے، میں دادا کو ہی دے دیتا ہوں، کیونکہ آپ کا بھی تو نہیں ہے نا، انت و مالک لی ابیک. تو جو باتیں لائی جاتی ہیں سامنے ان کو اگر صحیح سے سمجھنا نہیں ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہاں سے یہ بات لائی جا رہی ہے، اس کا اصل مفہوم کیا ہے، لیکن اس کو ہم استعمال کرتے ہیں کس چیز کے لیے؟ زیادتی کے لیے. میرا اپنا بھی حق ہے. نہیں، آپ کا جو حق ہے، آپ میرے والدین ہیں، میں آپ کا حق آپ سے کبھی نہیں لوں گا، لیکن میں آپ کو کبھی کسی اور کا حق بھی لینے نہیں دوں گا، اپنا بھی نہیں کسی اور کا بھی نہیں. یہ میری ذمہ داری ہے، مجھے صاف کہنا پڑے گا، یہ دائرے ہیں، یہ اللہ نے مجھے ذمہ دار بنایا ہے، اس میں میری ذمہ داری ہے. زکوٰۃ مجھے دینی ہے، آپ کو نہیں دینی اپنے مال پہ، جیسے ہے. بیوی ہے میری، میری مدر مجھ سے کہے اپنی بیوی کو سمجھاؤ ذرا، سیدھا کرو اس سے، میں کہوں گا نہیں، میں نے کوشش کی تھی نہیں ہوا. میں کہوں گا دیکھیں جو معاملہ میرا اور میری بیوی کا ہے نا، وہ ایک دائرہ اللہ نے بنایا ہے، اور اس دائرے میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. وہ اپنے گھر میں، اپنے گھر کی ولا میں تھی، اس کا باپ اس کا ولی تھا، اور جب نکاح ہوا تو اللہ کے اس میثاق غلیظ کی وجہ سے، اس بھاری کانٹریکٹ کی وجہ سے،
मैं उसका वली बन गया। उसके बाप की ज़िम्मेदारी हुआ करती थी उसकी हिफाजत करना, उसकी खुशी का ख्याल रखना, उसके दीन की हिफाजत करना, उसकी इज्जत की हिफाजत करना, उसके जज्बात की हिफाजत करना, हर तरह से उसकी हिफाजत मोहब्बत के साथ। इसी को विलाया कहा जाता है। वो ज़िम्मेदारी उसके फादर की थी। निकाह के फौरन बाद वो ज़िम्मेदारी किसकी हो गई? मेरी हो गई, मैं शौहर हूँ, मेरी हो गई। अब जब मेरी हो गई तो आप मेरी माँ तो हैं, लेकिन आप उस जिम्मेदारी में आप एक थोड़ी सी भी उंगली नहीं लगा सकते हैं। आपने जो कहना है मुझे कह दें, मुझे आपने जूते मारने मार दें, वो भी मैं कहूँगा नहीं मारें, मेरा हक बनता है कि आप ना मारें। लेकिन उधर आपका कोई अमल दखल नहीं है, वो मेरा दायरा है, वो अल्लाह मुझसे पूछेगा, आपसे नहीं पूछेगा। अच्छा बीवी हो, कुछ लड़कियाँ, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ज़्यादा अग्रेशन हो गई है तो लड़कियों को भी शादी से पहले उसकी सहेलियाँ समझाती हैं, उधर घर जाके तुमने ना ऐसा ड्रामा करना है कि कोई तुम्हें दबा ना सके, क्योंकि अगर तुम इसी तरह नाइस नहीं ना तुम्हें कुचल देंगे वो लोग। तो शादी से दो दिन पहले उसको ओरिएंटेशन दी जाती है कि वो हथियार नेज़े तेज़ करके वो निकाह के अंदर आए। वो बहुत ही नाइस थी शादी से पहले, शादी के बाद शौहर भी देखता उसको, ये तो UFC में थी, क्या था ये, क्या हो रहा है क्योंकि वो तैयार है लड़ाई के लिए, वो हाइपर अग्रेसिव हो जाती है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। अब वो मेरी माँ से अग्रेसिव हो रही है तो बीच में किसको आना है? वो भी किस्त के ख़िलाफ़ है, उसको किसी ने हक नहीं दिया कि वो मेरी माँ की बेइज्जती करे, मुझे रस्ते में नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारा ये दायरा है, तुमने जो करना है मेरे साथ करो, मेरे भी हुकूक हैं, तुम्हारे भी हुकूक हैं, लेकिन तुम वहाँ कुछ नहीं करोगे, तुम उनको कुछ नहीं कह सकते। बुनियादी सी, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बुनियादी सी चीज़ है, लेकिन हमने इन बुनियादी उसूलों को भुला दिया है जो कुरान में कहे गए हैं। अब आखिरी बात समझ लें, लंबी आयत है लेकिन इसके आखिर में कुछ क्लॉजेज हैं जो हमें अब समझने की ज़रूरत है। अब कहा है फ़ला तत्तबिउ अल-हवा अन तअदिलू, बड़े जामे अल्फाज हैं। हवा से मुराद बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको आप जज्बात भी समझ लें, उसके मफाहीम में से जज्बात भी हैं। हवा में गुस्सा भी हो सकता है, हवा में लालच भी हो सकती है, हवा में जेलसी भी हो सकती है, हवा, ये तमाम हवा हैं। उन जज्बात में आके इंसाफ से ना हट जाना, फला तत्तबिउल हवा, उनकी पैरवी करके उन जज्बात के पीछे लग के, जेलसी आपके दिल में आ गई, गुस्सा आ गया, एक दफ़ा किसी दावत पे किसी ने कुछ कह दिया था, अब उसको उसका गुस्सा आया हुआ है, अब 6 महीने तक बदले की प्लानिंग हो रही है आपके जहन के अंदर, वो निकला ही नहीं, तो कभी वो एक मौका मिला तो कब से वो भरा हुआ था बारूद, वो फट गया सामने आके ना। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये अपने जज्बात को फॉलो मत किया करो, क्योंकि ये करोगे ना तो इंसाफ नहीं होगा, फिर इंसाफ नहीं होगा। अंतअदिलु व इन तलवु औ तुअरिदु, अब दो मज़ीद और चीज़ें कह दी, ये भी उसूल है। ये हर कोई अपनी, मैं अपनी ज़िंदगी में देखूँ कि मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ या नहीं, आप ये चीज़ें कर रहे हैं नहीं, कोई और चेक नहीं कर सकता, मैंने खुद ही अपने अंदर ये चेक करनी है चीज़। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि और अगर तुम लोगों ने बात को टेढ़ा करके बयान किया, अब ये भी समझ लेना टेढ़ा करना, बात को ज़बान को टेढ़ा करना, कोई मुझे आके कहता है सर मैंने अपने अपने शौहर के बारे में आपको कुछ बताना है, वो बहुत ज़ालिम है, बहुत बुरी बातें करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सारा सुना दिया मुझे, तो मैं कहूँ अच्छा मैं उससे बात कर लूँ? नहीं 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 नहीं, तो शायद आपने तमाम बात बता दी मुझे। जी मैंने आपको सारी बात बता दी, कोई चीज़ नहीं छोड़ी, नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ी मैंने। अच्छा क्या ये मुमकिन है कि कोई अपनी तरफ से तो पूरी बात बता दे और जो उसमें से 1% भी बात हो जो उसके फेवर के खिलाफ जा रही है वो उसको थोड़ा सा स्किप कर दे? बच्चे आते हैं आपके, भाई ने मुझे मारा, इतनी ज़ोर से मारा, आप पूछो क्यों मारा? क्योंकि ही हेट्स मी। नहीं नहीं मारा क्यों, अभी क्यों मारा? क्योंकि वो ईवल है इसलिए, क्योंकि अगर थोड़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की तो शायद पता चल जाए पहले मैं आधे घंटे से छेड़ रहा था और उसके बाद तंग आके उसने पीछे से एक धक्का दे दिया मुझे। यानी आप, हो सकता है कि अपनी कहानी जिसमें आपके साथ ज्यादती की जा रही है उसमें आप सिर्फ वही बातें रखें अपने जहन में भी और किसी से बात करते हुए भी जिसमें 100% जो कंक्लूजन है वो ये हो, जो नतीजा है वो ये हो कि आप मजलूम हैं और वो ज़ालिम है,
आपने तो कुछ गलत किया ही नहीं, आपके साथ ज्यादती होती है, आप बेचारों के साथ, बाकी सब आपके पीछे पता नहीं क्यों पड़े हुए। वो इंतल, वो बात को टेढ़ करके टेढ़ा करके बताना, उसमें से कोई चीज़ें स्किप कर देना, अपनी तरफ बायस हो जाना या किसी और की तरफ बायस हो जाना, यह है तल वो अतरिदो। और इस लहू की और मिसालें भी हैं। एक और मिसाल मैं आपके साथ लूँ जो हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा है। साइकोलॉजी में हम इस चीज़ को पढ़ते हैं कि जब आपके साथ कोई बहुत ज़्यादा ज्यादती कर रहा हो ना, तो वो हमेशा ज्यादती नहीं कर सकता, उसको कुछ अच्छी चीज़ें भी करनी पड़ती हैं बीच बीच में। तो आपके साथ बहुत ज़्यादा, जैसे कोई पेरेंट है जो ज्यादती करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्शली बात करते हैं, वो बुरी बातें करेंगे 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 करेंगे, फिर अंडा पराठा ला के दे देंगे, तुम तो ये हो वो हो ये हो, पति लग रही हो खाना खा लो। तो वो एक नाइस चीज़, फिर 100 ख़राब चीज़ें, फिर एक नाइस चीज़, फिर 100 ख़राब चीज़ें। मियाँ बीवी का झगड़ा हो रहा है, मियाँ ने और तरह तरह की बातें सुना दी, तरह तरह की, और वो बीवी रो रही है, वो दरवाज़ा मार के चला गया बाहर। 3 घंटे बाद आइसक्रीम लेके वापस घर आ गया, मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। यानी ज्यादती भी होती है और फिर कुछ अच्छा भी होता है, लेकिन उसका मकसद क्या होता है कि देखिए, इंसान का ना, जब उसके साथ ज्यादती करते हो तो उसके सब्र का मीटर जो है वो भरता चला जा रहा है। वो जब वो फटने के करीब आ जाता है ना, तो जो सब्र का इम्तिहान ले रहा होता है आपका, उसको अंदाज़ा हो जाता है कि ये फटने वाला है। तो अगर इसको कल ज्यादती दोबारा करनी है ना, तो इसका टेम्परेचर थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा, आइसक्रीम ले आओ, थोड़ी ठंड पड़ जाएगी, फिर कल दोबारा से शुरू करेंगे। फिर वो फटने लगे तो क्या करेगा, दोबारा आके आइसक्रीम नहीं होगी तो फूल होंगे, कुछ और होगा, और फिर वो दोबारा आराम से फिर ज्यादती कर सकेंगे, क्योंकि उसकी माइलेज पूरी करनी है ना। ये नहीं है कि बंदा बदल गया है, होता ये है कि आइसक्रीम खाने के बाद बीवी को भी एहसास होता है, आज तो ये वाकई बदल गए, मेरी किस्मत बदल गई है। वो सो के उठती है तो वो दोबारा वही पुराना वाला बन जाता है एकदम से। हाँ, मैं जा रहा हूँ, कहाँ पे कॉल मत करना मुझे। ये क्या हुआ, अभी तो कल तो आइसक्रीम लेके आए थे, वो तो ख़त्म भी नहीं हुई अभी, राइट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कि अब क्योंकि उसने कुछ अच्छा भी किया है, बीवी ने भी कुछ अच्छा किया, बुराइयाँ बहुत की हैं, या पेरेंट ने कुछ अच्छा किया, बुराइयाँ भी, ज्यादती भी बहुत की है, तो जब हक बात करने को आती है तो कहती नहीं, वो इतने बुरे नहीं है, वो अच्छी चीज़ें भी करते हैं, पता है, वो बहुत अच्छे भी हैं। हाँ, मारते हैं, एक दो दफ़ा हड्डी टूटी है, लेकिन वो फिर उसके बाद अस्पताल भी तो वही लेके गए थे ना, बिल भी तो उन्होंने ही दिया था ना आखिर, यू नो, मेरा तो उन्होंने वो कास्ट के ऊपर सिग्नेचर भी किया था, हार्ट भी बनाया था उसके ऊपर। आप अपने आप से झूठ बोलना शुरू कर देते हो, अपने आप को आप पट्टी बढ़ानी शुरू कर देते हो कि जो ज्यादती हो रही है वो इतनी बुरी नहीं है, इतना ऐसा थोड़ी है, वो इतना अच्छा आपके ऊपर हिप्नोसिस करते हैं, इतना कंट्रोल करते हैं, साइकोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं कि आप अपने आप को धोखा देने में माहिर बन जाते हो, वो भी तलवू है। और फिर चीज़ें आपके सामने हो रही हैं, गलत काम हो रहे हैं, और आप उसको, चलो आप सोचते हो नहीं मैंने कुछ नहीं देखा, देखा था लेकिन कुछ नहीं देखा, फ़ोन पे कुछ मैसेजेस देख लिए और ऐसे, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ। या आपके साथ, यू नो, फ़र्ज़ करें आपके जो बाप बेटा है उसमें झगड़ा हो रहा है, बाप ने को बहुत ही बुरी बात कह दी, तो छोटा बेटा आके माँ से कहता है, मामा या बाबा ने कहा था, नहीं कुछ नहीं कहा था उन्होंने, ऐसे तुम्हारे कान खराब हो गए, कुछ नहीं कहा था। ये क्या है, अतरिदो, बात को जानबूझकर इग्नोर करना, जैसे वो हुई ही नहीं, जैसे वो हुई ही ना हो। ये चीज़ें करोगे तो इस आयत में जो उसूल है उसका तुम्हें कोई लिहाज नहीं। एक आयत है सिर्फ, उसको गौर से पढ़ ले इंसान, उसको नज़र आना शुरू हो जाए कहाँ कहाँ मैं क्या क्या ज्यादतियाँ कर रहा हूँ, क्या क्या ज्यादतियाँ होते देख रहा हूँ, और फिर ज़बान को ट्विस्ट करके उसको मोड़ तोड़ के ऐसे बयान करता हूँ कि कोई ज्यादती है ही नहीं, या उसको पूरी तरह इग्नोर करता हूँ, उसके बारे में बात ही नहीं करता, छेड़ो ही मत उस चीज़ को। और अल्लाह आखिर में कहते हैं, फ़इन्ना अल्लाहा कान बिमा तअमलूना बसीरा, फिर जान लो अल्लाह जो कुछ करते रहे हो, खबीरा, अल्लाह जो कुछ करते रहे उसके बारे में उसको मुकम्मल खबर है। इससे अगली आयत में ज़रा आयत का आपस में एक जोड़ होता है, आखिरी बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। या अय्युहल्लज़ीन आमनू आमिनू बिल्लाही व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिही, ईमान वालों ईमान ले आओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर, उस किताब पर जो उसने अपने रसूल पर नाजिल की है। ये आयत कहाँ है, इस आयत के फौरन बाद।
यानी जो बात कही जा रही है ना अभी, वो मान लो, ये मानोगे तो ये इस बात का सबूत होगा कि तुम्हें वाकई ईमान है, वाकई ईमान ले आओ। दावे में तो ईमान है, अब इस ईमान को ज़िंदगी में ले आओ, इस किताब को मान लो, इसके उसूलों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना शुरू कर दो। ये चीज़ें हैं जो मेरे नज़दीक हमें अब इस मुल्क में, मेरे बहन भाइयों को, मेरे छोटे बेटे बेटियों को यहाँ पर, मेरे बड़ों को, हम सबको और मुझे खुद, इन उसूलों की अब बड़ी शदीद ज़रूरत है। क्योंकि हम बात करते हैं बैन अल-अक़वामी सतह पे, इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादती हो रही है, हकूमती लेवल पे ज़्यादती हो रही है, बाज़ारों में ज़्यादती हो रही है, बिज़नेस में ज़्यादती हो रही है, जायदाद के मामलों में ज़्यादती हो रही है। जी हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, देखे निज़ाम ही ख़राब है, जी तो कुछ हो ही नहीं सकता, हर जगह ज़्यादती हो रही है, किस नहीं है, देखो अल्लाह ने इतनी ज़बरदस्त आयत दी है इंसाफ के बारे में, इंसाफ कहाँ है? लेकिन जिन चीज़ों में आपका अपना कंट्रोल है, आपके अपने लिविंग रूम में इंसाफ है, आपके घर में इंसाफ है, आपकी फैमिली में जो बातें हो रही हैं उनमें इंसाफ है, जब वहाँ नहीं होगा तो बाहर कैसे जाएगा? बात तो घर से शुरू होती है ना, इंसानियत फ़र्द से शुरू हुई है, फ़र्द के बाद फैमिली बनी है, फैमिली के बाद मोहल्ला बना है, मोहल्ले के बाद सोसाइटी बनी है। तो अगर यहाँ से किस शुरू नहीं होगा ना, तो वो आखिर तक कभी भी नहीं पहुँचेगा। और जिसको घर में ही ट्रेनिंग दे दी गई है कि कोई बुरी बात हो रही हो तो आगे से कुछ नहीं कहना, वो एक दिन ऑफिस में काम करेगा, उसके सामने कुछ बुरा हो रहा होगा तो उसकी तो पहले से ही तरबियत है, उसने कुछ नहीं कहना आगे से। जिसके पास ताकत है उसको उसके पास खामोश करने की ताकत है, मैं आगे से खामोश हो जाऊँ, मुझे तो यही सिखाया गया है। मेरे अब्बा ने मुझे खामोश किया था, मेरे दादा ने मुझे खामोश किया था, मेरे चचा ने मुझे खामोश किया था, अब मेरे मैनेजर मुझे खामोश करते हैं, मेरे टीचर मुझे खामोश करते हैं, हुकूमत मुझे खामोश करती है, सारे खामोश करते हैं। और फिर गुस्सा जो आता है वो कहाँ मैं गुस्सा निकालूँ? ये सब इसराइल ने किया है, पता है ये चाइना कर रहा है, चाइना ये अमरीका की साजिश है, वो कहीं और से ढूंढ के लाओ साजिश, जो सामने हो रहा है उसको फेस नहीं कर सकते ना, जब उसको इग्नोर करते हो तो दिमाग हर जगह जाता है, जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जाता। असल तब्दीली हम ले आए तो इंशाल्लाह ये मुल्क एक और ही चीज़ बन जाएगा, जो इसके अंदर पोटेंशियल है, जो इसके अंदर रॉ पोटेंशियल है, जो इसके नौजवानों में जो ज़हानत है, जो टैलेंट है, जो इनके अंदर एक काबिलियत है, वो मैंने यहाँ भी देखी है, दुनिया जहाँ में मैंने पाकिस्तानियों को देखा है। लेकिन जो चीज़ हमें पीछे रखे गए हैं ना, हम उसूल वाले लोग नहीं रहे, हमसे कहीं कम क्रिएटिव, हमसे कहीं कम ज़हीन, कहीं कम हर मामले में कम टैलेंटेड और कौमें हैं जो सिर्फ उसूलों की बुनियाद पर बहुत आगे निकल गई हैं। और हम, अल्लाह ने हमें बहुत सलाहियतें दी हैं, मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि मैं पाकिस्तानी, अल्लाह ने हमें बहुत अजीम सलाहियतें दी हैं। जहाँ हमारी कमी है ना, वो बुनियादी उसूलों की है, एथिक्स की कमी है हमारे यहाँ, कुरान के उसूलों की कमी है। कुरान को पढ़ो ज़िंदगी में लाने के लिए, उसके उसूलों को अपनी ज़िंदगी में डालने के लिए। अल्लाह ताला हम सबको उसके उसूलों पर कायम होने की तौफीक दे। बारकल्लाहु लि व लकुम फिल कुरानिल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम। Okay, question answers for 10 minutes. So if you have, they'll pass the mic. सबसे पीछे से शुरू करें, सबसे पीछे। आसान सवाल पूछना, अच्छा मेरी नसीहत तुम्हारे लिए ये होगी, अपने ऊपर शक मत करना, अपनी सलाहियत को, अपनी सलाहियत पे शक मत करना, नई नई चीज़ें ट्राई करो, जहाँ तक कि तुम्हें कोई ऐसी चीज़ मिले जो जिसमें तुम उसको इन्जॉय भी करती हो और उसमें तुम अच्छी भी हो, दोनों चीज़ें। और अपने जो तुम्हें इस मुल्क में कंट्रीब्यूशन करनी है ना, वो सिर्फ अपने घर तक महदूद नहीं है, तुम्हें खैर फैलाना है, ठीक है? तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करना हमेशा इंशाल्लाह, और अपने आप को कंपैरिजन से निकाल देना, किसी से कंपेयर नहीं करना अपने आप को,
क्लास में नहीं, कॉलेज में नहीं, करियर में नहीं, शादी में नहीं, बहन भाइयों में नहीं, उसकी तो शादी भी होगी मेरी अभी तक नहीं हुई, उसका ये था मेरा ये है, उसके पास ये वाला सूट है मेरे पास ये वाला सूट नहीं है, ये कंपैरिजन जब अपनी ज़िंदगी से निकाल दोगी ना अच्छी ज़िंदगी गुजारोगी इंशाल्लाह। ओके अच्छा सवाल है, मूसा अलैहिस्सलाम को सब्र नहीं हुआ किस्सा कहफ में तो हमें कैसे होगा, बेहतरीन सवाल है। मूसा अलैहिस्सलाम को जो सब्र नहीं हुआ था वो नाइंसाफ़ी पे सब्र नहीं हो सका था उन्हें, ठीक है, नाइंसाफ़ी हो रही है उसको होते वो देख नहीं सकते, यही तो उनकी 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 नौजवानी में भी उनके सामने नाइंसाफ़ी हो रही थी, लग रहा था उन्हें नाइंसाफ़ी हो रही है, तो जाके फ़वक़ज़ा हो मूसा फ़क़ज़ा अलैहि, वही तो हुआ था। इसी तरह जब लोगों ने इनसे बनी इसराइल इनके मानने वालों ने इनसे कहा था कि हमें अल्लाह को जो है वो देखना है खुद ही, लन नुमिन लका हत्ता नर अल्लाह जहरतन, आपकी बात हम मानेंगे नहीं जब तक हम अल्लाह को सामने सामने ना देख लें, तो उस वक्त जो उन्होंने कहा है ना अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, वो असल में जाहिल का वो मतलब नहीं है जो हम उर्दू में लेते हैं, जाहिल होता है जिसके जज्बात को जिसको अपने जज्बात पर काबू ना रहे, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मेरे जज्बात मेरे काबू में ही रहें, मैं अपने जज्बात से को कंट्रोल मुझ पे ना कर ले वो, क्योंकि अगर हो गया तो मैं एक आध मुक्के इनको भी लगा दूंगा और मेरे मुक्के का पता है क्या होता है फिर, तो वो अपने गुस्से से पनाह मांग रहे हैं एक्चुअली जब वो बात कही जा रही है। तो कुरान ने सूरह कहफ में जो किस्सा बताया है उसमें उसका एक बुनियादी जो दर्स है वो ये है कि सब्र का इम्तिहान नबी से भी होता है, और ऐसी ऐसी ऐसे ऐसे इम्तिहान होते हैं जो जब समझ नहीं आती कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो सकता है और ये अल्लाह ताला इसको कैसे कबूल कर सकते हैं कि ये भी हो, तो उस वक्त एक नबी भी जो है ना वो उससे रहा नहीं जाता, वो कहता है ये आपने गलत किया, ये सही नहीं है, क्योंकि उसका एक मेयार है सही और गलत का, नबी को वही दी जाती है कि ये सही है ये गलत है, और उस वही के मुताबिक जहाँ जहाँ उनसे सब्र नहीं हुआ वो उन जो शरीयत उनको दी गई थी उसके मुखालिफ बात हो रही थी तभी उनको सब्र नहीं हुआ। अगर नाजायज़ किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान किया जा रहा है वो शरीयत के ख़िलाफ़ है, किसी का कत्ल किया जा रहा है वो शरीयत के ख़िलाफ़ है, आपने मजदूरी की है आपको हक लेना है, हक है आपका कि आप कम से कम उसकी कोई उजरत ले लो, वो भी शरीयत का हिस्सा है। तो जो जो बात उन्होंने की है वो जो इंसाफ अल्लाह ने उनको नाजिल किया था उसके मुताबिक है, लेकिन अल्लाह ने यहाँ ये बात सिखाई है कि कुछ फ़ैसले अल्लाह के ऐसे होते हैं जो जिनका ताल्लुक एक और शरीयत से है, और वो शरीयत इंसानों के लिए नहीं है, वो अल्लाह का अपना एक ख़ास निज़ाम है और उसके अपने कुछ ऐसे बंदे हैं जो वो काम करते हैं। तो अगर आप पूछें फलाने को कैंसर क्यों हुआ, उसने क्या डिज़र्व किया था कि उसको कैंसर हो जाए, फलाने का कार एक्सीडेंट क्यों हुआ, वो क्यों मर गया उसके अंदर, उसका क्या कसूर था, तो लोगों को ऐसी बातों पे सब्र नहीं आता। तो अल्लाह ताला ने मूसा की मिसाल से सिखाया कि जब ऐसी बात तुम्हारे सामने होती है जिसका तुम्हें सब्र ना आ रहा हो वो इसलिए होता है कि तुम्हें उसके पीछे जो गैब का पर्दा है ना उसके पीछे एक हकीकत थी जिसको अल्लाह ताला ने तुम्हें बताना ही नहीं है। वमा कान अल्लाहु लियुत्लियकुम अलल गैब, इस तरह समझ लो कि जो वाकयात होते हैं दुनिया में उनके सामने एक पर्दा है और उसकी एक हकीकत है उसके पीछे। कहफ के किस्से में अल्लाह ने थोड़ा सा पर्दा उठा के आखिर में उनके ज़रिए उनके उस्ताद के ज़रिए थोड़ा सा इंकशाफ करा दिया कि देखें ये असल बात थी ये असल बात थी ये असल बात थी, लेकिन उस थोड़ी सी डिस्कवरी के बाद हमने क्या सीखा कि अल्लाह ये पर्दा ऐसे नहीं खोला करते, वो मूसा के लिए खोला था। तो आपकी ज़िंदगी में हज़ार चीज़ें होंगी जो आप कहेंगी अल्लाह ने किया क्यों, इसकी हिकमत क्या थी। अच्छा अच्छा ओके, वो कह रहे थे समोसे तैयार हैं, नहीं नहीं कह रहे थे। तो लोग आपके जहन में जो सवाल आते हैं आपको आता है कि अल्लाह का इसमें अल्लाह की इसमें क्या हिकमत है, अल्लाह की क्या हिकमत है इसके अंदर, मुझे अल्लाह की हिकमत समझनी है।
وما كان الله ليطلعكم على الغيب. अल्लाह तुम्हें क्यों बताया गैब की बात, वो तो नहीं बताएगा तुम्हें. तुम कौन होते हो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले. अगर मिलिट्री कोई इकदाम करती है और तुम कहो ये उन्होंने क्यों किया, आपके पास क्लासिफाइड फाइल्स हैं, क्लासिफाइड इंटेलिजेंस है, आपके पास पूरी ब्रीफिंग्स हैं कि उनके पास है. जब उनके पास होती है वो एक एक्शन करते हैं और आपकी वो एक्सेस है ही नहीं कि आपको वो समझ आए वो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है. अल्लाह ताला की भी कुछ ख़ास मीटिंग्स हैं, उनकी भी कुछ ख़ास प्लानिंग्स हैं. जो सिखा दिया है हमें वो ये है कि हमारे सब्र का इम्तिहान वाकई होगा और उसमें तसल्ली सिर्फ इस बात से आएगी कि कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ अल्लाह ही जान सकता है और आपको उस पर सब्र करना पड़ेगा. लेकिन सब्र के बारे में मैं जहाँ गया हूँ मैंने सब्र के बारे में बात की है, आपके सामने भी कर दूँ. सब्र का गलत इस्तेमाल पाकिस्तान में ही होता है सिर्फ. सब्र का गलत इस्तेमाल, सब्र की, सब्र इतनी खूबसूरत चीज़ है कुरान के अंदर और हमने एक नया सब्र बनाया है, वो उसको मैं पाकिस्तानी सब्र कहता हूँ, लेकिन उसका असल मायना जो है वो बुजदिली है. वो क्या है, किसी के साथ ज़्यादती हो रही है घर पे, कोई ज़्यादती कर रहा है, नाइंसाफ़ी कर रहा है, क्या कहा जाता है उससे, सब्र करो, सब्र करो. टीचर ने कोई ज़्यादती कर दी स्टूडेंट के साथ, बेटा सब्र करो बड़े हैं. माँ बाप ने ज़्यादती कर दी, बेटा सब्र करो माँ बाप हैं. ससुराल ने ज़्यादती कर दी, बेटी देखो ये तो सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ था, सब्र करो सब्र करो सब्र करो सब्र करो. एक लड़की ने तो मुझसे पूछ लिया, मैं सब्र ही करती रहूँ जब तक मर ना जाऊँ, ये सब्र मुझे मार देगा. वो सही कह रही है, क्योंकि ये सब्र है ही नहीं. कुरान का सब्र क्या है, पहले हक बात करो, जो ज़्यादती हो रही है उसके खिलाफ खड़े हमारे ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तुम्हें गालियां सुनने को मिलेगी, मारे पड़ेंगी, उसके बाद दोबारा हक बात करो और फिर और मारे पड़ेगी, फिर दोबारा हक बात करो. इसको कहा जाता है वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सबर. पाकिस्तानी सबर कोई और चीज़ है, कुरान वाला सबर कोई और चीज़ है. तो आप कुरान वाला सबर अपनी ज़िंदगी में ले आए इंशाल्लाह. और सवाल इंशाल्लाह पाँच या छः, एक सेकेंड गाइस, नहीं आपका तो हो गया था लेडीज, आप कहाँ हैं. अच्छा किसी के घर में अगर किसी पेरेंट की या औलाद की या बहन की या भाई की डेथ हो जाती है तो एक छोटा वाकया नहीं होता हमारी ज़िंदगी में, इट्स वेरी ट्रॉमेटिक और उससे कोप करना बहुत मुश्किल होता है. लेकिन मेरे नज़दीक इस मामले में भी हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो गए. मैं ये मिसाल पहले भी दे चुका हूँ, आपको भी दूंगा. एक डॉक्टर हैं मेरे दोस्त, डेनमार्क में होते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं. तो ये कई कबार कैंसर ऐसा होता है कि अब कोई उम्मीद नहीं रहती, हफ्ता रह गया किसी के लिए, दो दिन रह गए हैं, तो उनको बताना पड़ता है पेशेंट को कि जी अब टाइम आ गया है. फैमिली को भी बताना पड़ता है कि टाइम आ गया है. जब वो किसी गैर मुस्लिम से, डेनिश बंदे से कहते हैं तेरा टाइम आ गया है, मशीन पर जाना है क्योंकि मशीन से आप मसनूई तौर पर उसको ज़िंदा रख सकते हो, तो आम तौर पर उनको जवाब ये मिलता है नहीं क्यों, मैंने अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, मेरे आने का टाइम हो गया है तो मैं जा रहा हूँ. ऐसा करता हूँ मेरे जो दो दिन रह गए मेरी फैमिली को यहाँ बुला लो या मैं उनके पास चला जाता हूँ, हम कुछ आखिरी अपने कुछ दिन खुशी में मना लें और वो भी जब मैं जाऊँगा तो वो मुझे दफना देंगे और मेरी अच्छी बातें याद रखेंगे. मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने से किसी को उदासी हो. लाइफ मूव्स ऑन और मेरी मेमोरी से उनको खुशी आनी चाहिए, रोना नहीं आना चाहिए. रोना आएगा आएगा तो, लेकिन रोने से ज़्यादा मेरी मेमोरीज़ को उनको से उनको खुशी आनी चाहिए. ये ऐसा इंसान कहता है जिसका ना अल्लाह पे ईमान है ना आखरत पे ईमान है, इल्हाद का मानने वाला है और वो बहुत मुतमईन है कि उसका टाइम आ गया. और वही डॉक्टर कहता है कभी कभी मेरे पास पाकिस्तानी पेशेंट आते हैं, उनको भी बताना पड़ता है कि जी दो दिन रह गए हैं, तीन दिन रह गए हैं. नहीं डॉक्टर साहब ऐसा नहीं हो सकता, हम किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको पता नहीं होगा. नहीं ये मशीन आप बंद नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता, अल्लाह कभी नहीं कर सकता ऐसा, ऐसा हो ही नहीं सकता. मेरी अम्मी को नहीं ले जाया जा सकता, मेरी बाजी नहीं मर सकती, मेरा बच्चा अभी भी जिंदा है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता. और इतनी
इतना ज़्यादा क्राइसिस, एक हद तक ये फीलिंग आना वो तो इंसान की तबीयत का हिस्सा है, लेकिन जिस हद तक हम उसको लेके गए हैं ना, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कुछ बुनियादी तालीमात हमारे दीन की हैं जो अब दिल से बहुत दूर चली जा चुकी हैं और उनको वापस लाने की ज़रूरत है। पहली चीज़ ये कि मैं अपनी माँ से, अपने बाप से, अपनी बाजी से, जो मेरी बाजी को मैंने खुद दफनाया था, शी वॉज़ माई बेस्ट फ्रेंड, उनको ज़मीन मैंने खुद डाला था, मुझे एक बात का पूरा यकीन होना चाहिए, मैं अपनी बाजी से जितनी भी मोहब्बत कर लूँ, जितना भी प्यार कर लूँ उनसे, मेरे रब को जो उससे मोहब्बत है ना, उसका मैं कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता, कभी नहीं हो सकता। दूसरी बात वो मेरी केयर में थी, जब वो मेरी केयर में थी तो मेरी इंसानी सलाहियत महदूद है उनकी, उनका ख्याल करने की, अब वो मेरे रब की केयर में है तो वो मेरी केयर से कहीं ज़्यादा बेहतर केयर में है। तीसरी बात ये जो होता है ना कि वो क्यों चली गई, आपको क्यों इतना इत्मीनान है कि आप नहीं जा रहे, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन, जब किसी की मौत होती है हम पहले अपने आप को याद दिलाते हैं कि हम सब खुद अल्लाह की मिल्कियत हैं और हमने उसके पास जाना है। हम ये नहीं कहते इन्नहु कान लिल्लाह व इन्नहु इलैही राजिऊन, ये नहीं कहते इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन, मरा कोई और है और हम अपने आप के बारे में कह रहे हैं हम भी जाने वाले हैं, कहते हैं हम ये हैं। अगर इस बात का इत्मीनान हो कि हम वाकई जाने वाले हैं तो फिर मेरा जहन दो चीज़ों की तरफ लग जाएगा, दो ही इम्कानात हैं, जाना तो है, वापस रब के पास जाना तो है, मैं कुछ भी कर लूँ, मैं उसके बारे में सोचूँ या ना सोचूँ, इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकीही, लेकिन वहाँ जाकर दो ही इम्कानात हैं, एक इम्कान ये है कि मेरी उनसे मुलाकात हो सकेगी या हम दो मुख्तलिफ जगहों पर होंगे, दो ही इम्कान रह गए हैं। मुझे अब पूरी कोशिश ये करनी है कि मेरे अमाल जो उनके अमाल में भी इजाफा कर रहे हैं, क्योंकि मैं उनकी लेगेसी हूँ, मैं उन अमाल को कंटिन्यू करूँ ताकि मैं भी अच्छी जगह पहुँचूँ और वो भी उसी जगह पहुँचें और हमारी फैमिली रियूनियन हो, और वो ऐसी रियूनियन हो जो यहाँ के घर से, यहाँ की दावत से, यहाँ की ईद से कहीं बेहतर हो। अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शय, उनकी तमाम नस्लों को हम एक साथ मिला देंगे और उनके अमाल में से कुछ नहीं लिया जाएगा। ये कुछ चीज़ें इंसान याद रख लें तो उदासी तो रहती है लेकिन वो पैरालाइजिंग नहीं बन जाती कि इंसान कुछ कर ही नहीं सकता आगे। ये छोटी सी दो तीन बातें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें ये तोहफे दिए हैं, और हमें मुसलमानों को ऐसा होना चाहिए कि मौत के मामले में हम जिस तरह उससे डील कर सकते हैं कोई और डील नहीं कर सकता, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हमें हमारे दीन की कुछ बुनियादी चीज़ें जिसका दिल पर असर होना चाहिए वो चीज़ें दोबारा से रिव्यू करने की ज़रूरत है। चार और सवाल रह गए, मैं गिन रहा हूँ, तुम लोगों की बारी। या वालेकुम सलाम। अच्छा सवाल है आपका। देखो, पहली बात तो ये है कि उस ख्वाब के बाद भी मैं दोबारा टेढ़ा हो गया था और फिर मुझे एक दोस्त ने सीधा किया था, और दूसरी बात यह है कि जैसे इस नौजवान ने कहा कि अल्लाह के कुछ ख़ास बंदे होते हैं,
असल में एक और बात मैं आपसे करना चाह रहा था, इंशाल्लाह वो मैं मुल्तान जाके करूँगा। असल में जिस किसी को भी कलमा पढ़ने की तौफीक दी गई है ना, उसके बारे में अल्लाह ने ख़ुद कहा है हुआ इज्तबाकुम, तुम्हें ख़ास चुना गया है, उसने ख़ास चुना है तुम्हें। आप में कोई खसूसियत है कि आपको ये नेमत दी गई है, अल्लाह को आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि आप इस तोहफे के मुस्तहिक हो। आपको अपने अंदर भी नहीं नज़र आ रही, अल्लाह को नज़र आ रही है। दूसरी बात, तीसरी के जो एथियस्ट है और वो अच्छा इंसान है, अखलाकी है, जो भी है, पाकिस्तान में जो यंग लड़के लड़कियां एथियस्ट हो जाते हैं, मुझे उनसे एक हद तक हमदर्दी है, क्योंकि एक तो उनके साथ बहुत ज़्यादती हुई होती है ज़िंदगी में, और दूसरा इस्लाम के नाम पर जो बातें उन्हें बताई गई होती हैं उनकी कोई उनको सेंस नहीं बनती, उसकी कोई तुक नहीं बनती। और इस्लाम के नाम पर जो ज़्यादतियाँ की गई होती हैं, अभी मैंने आपसे कहा था इस्लाम के नाम पर सब्र कहते हैं लेकिन सब्र का गलत इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह की सैकड़ों मिसालें हैं कि हम इस्लाम के नाम पर बहुत सारी ज़्यादतियों को इस्लामी बता के हम अपनी सोसाइटी में एक इनजस्टिस को आगे करते हैं। और किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही हो तो वो आइडेंटिफाई करता है कि इस नाइंसाफ़ी की असल क्या है, और इसकी असल तो इस्लाम है, मुझे इस्लाम नहीं चाहिए, मुझे ऐसा खुदा नहीं चाहिए। ऐसा भी होता है यंग लोगों में, कभी कभी बहुत ही अग्रेसिव एथीस्ट मेरे पास आते हैं बात करने के लिए, कुरान की गलतियाँ निकालने के लिए। मैं पहला सवाल ये होता है, ये कब से हुआ, कब से इस तरह फील कर रहे हो, चार साल पहले क्या हुआ था, क्या किस प्रोसेस से तुम गुजरे कि तुम यहाँ तक पहुँचे। जब उस प्रोसेस के बारे में थोड़ी सी बात करो तो उस लड़के लड़की की आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं, उनके साथ ज्यादती हुई होती है। कोई ऐसे शैतानी नहीं बन जाता, कोई ऐसे ही मुल्हिद नहीं बन जाता, उनके अंदर भी एक इंसान है, उस इंसान की भी एक फितरत है। तो पहली चीज़ है कि हमें हमारी सोसाइटी में जो लोग दीन से हट रहे हैं उनसे पहले आप हमदर्दी कर लो, पहले उनके साथ हुआ क्या है जो जिस चीज़ ने उनको दीन से दूर भेज दिया है। अगर आप वो समझ लोगे ना पहले, तो कुरान की दावत सिर्फ डिबेट करने के लिए नहीं है, पॉइंट्स बनाने के लिए नहीं है, क्योंकि आप जो लड़का मैंने किया है एथीस के साथ मैंने डिबेट की है, और डिबेट जीतने के बाद वो फिर भी नहीं मानते, वो मानते इसलिए नहीं कि असल मसला इंटेलेक्चुअल नहीं था, एक और क्राइसिस है उसके साथ साथ, उस क्राइसिस को हमें एड्रेस करना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप में से कोई भी है जो अल्लाह का चुना हुआ नहीं है, मेरा नहीं ख्याल में आप में से कोई भी है जिसका कोई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस उसकी ज़िंदगी में ना हो, या आप तो ऑनलाइन भी हो सकता है एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ना, ये लाखों लोग इस शहर में रहते हैं और आप लोग यहाँ पर बैठे हुए, आप कुछ भी कर सकते थे, आप घर बैठे टीवी देख रहे होते, आप नेटफ्लिक्स देख रहे होते, आप कुछ और कर रहे होते दोस्तों के साथ, आप यहाँ पर हो, ये चीज़ ये किस चीज़ की अलामत है कि मैं यहाँ पर हूँ और आप यहाँ पर हैं। अल्लाह ताला ने हमें चुना है कि हम उसकी बात के बारे में कुछ सीख लें, है ना। तो इसको कंपेयर ना किया करो कि कुछ लोग हैं जो बहुत फेमस हो गए हैं तो वो अल्लाह के ख़ास चुने हुए हैं, ना 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 ना, अल्लाह के बहुत ही ख़ास चुने हुए लोग ना ऐसे भी हैं जिनको कोई भी नहीं जानता, वो दुनिया क़यामत के दिन वो सेलिब्रिटीज़ होंगे, और उनका इंस्टाग्राम अकाउंट है ही नहीं, उनका फेसबुक अकाउंट है ही नहीं, लेकिन वो क़यामत के दिन सेलिब्रिटीज़ होंगे। तो इस मैट्रिक से नहीं देखना चाहिए। तीन सवाल रह गए। यस, वेयर इज द माइक, पास ओवर द माइक, वेयर आर यू, आई एम हियर, ओह हियर, ओके, मैंने कुछ नहीं किया सर, ये असर सलीनी, आई वाज कैन यू दिस वीडियो ऑफ द वीडियो टू कॉल फॉर द मॉडर्न एज, So the cafe in the modern age? Yes. I think I saw it, yeah. So did you read it? I know. No. Okay. So I can discuss a lot of things, but first of all, I'll talk about the Faq and Islam. Okay. So on this journey, I think that it's hard to be just tell you what to do about Nifaq. Tell you what to do about Nifaq? Yes. Why do you think you have nifaq? It's not the thought of sometimes it comes I'm not afraid of being wrong, or sometimes I don't think I'm more sincere. Okay, well, so the first thing is لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. अपने आप को ज़्यादा पाक मत समझा करो, उसको पता है तकवा किसके पास है। अल्लाह ताला ने हमें अपनी औकात दिखा दी, ला तुज़क्कू अन्फुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तका। और जब आप ये सोचो कि ये जब ये आयात नाजिल हो रही थी तो उसके सुनने वाले सहाबा भी थे जिनको ये दर्ज दिया, तो हम क्या रह गए फिर।
دوسری بات یہ کہ یو نو تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا, آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی اور سے علو نہیں چاہتے. علو ہوتا ہے کسی اور سے تھوڑا اوپر ہو جاؤں, میں یہ ثابت کر دوں میں کسی سے کسی درجے میں زیادہ ہوں. بچپن میں ہوتا ہے, میرا جو پینسل کا اریسر ہے نا, میرا کتنا زبردست ہے, یا میرا جو بیک پیک ہے وہ تمہارے بیک پیک سے اچھا ہے, میرے جوتے تمہارے جوتوں والے جوتوں سے اچھے ہیں, کسی طرح سے میں کسی سے زیادہ اوپر ہو جاؤں. یو نو کسی نے سیلفی لے لی میرے پاس سیلفی ہے, تیرے پاس کیا ہے؟ علو فی الارض, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں علو, خامخواہ کسی کو, اس سے آپ کی ویلیو میں کوئی اضافہ ہوتا نہیں ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ پھر آخرت کی جو اصل چیز جس کی ویلیو ہے وہ ویلیو ختم ہو جاتی ہے, جن چیزوں کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں سوائے آپ کے ذہن کے اندر اس کی ویلیو بن جاتی ہے. اگر فرض کریں آپ زیادہ مخلص ہیں بھی کسی اور سے, اس کا آپ کو کیا فائدہ ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں. آپ سے کوئی کم تر جانتا ہے, اس سے آپ کی دولت میں کیا اضافہ ہو رہا ہے؟ آپ کسی سے زیادہ اچھے کام کر رہے ہیں, سو واٹ ڈیڈ یو اکامپلش, اٹس ورتھ لیس to think about these things, to live in comparison. So break that thought. Don't live in that. And that's not nifaq, that's really, it's called ikhtiyal. So other people. Guys? Yes, young man. Two more questions. That's two and that's the last one. Waalaikum salam. Sir, aapne mujhe pehle baat ki thi ki huquq ke bare mein. Ji. Right. I should fight for me. At least someone is right. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹا. دیکھیں میرا جائزہ ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو, جہاں تک میں جب جہاں جہاں گیا ہوں پاکستان میں نا, میں آپ لوگوں کو غور سے گھور گھور کے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, سائیکو انالائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, تو کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں میرے. ان میں سے ایک چیز جو سامنے آئی ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہر کسی نے اپنی قدر ثابت کرنی ہے, ہر کسی نے اپنا ایک درجہ جو ہے وہ ثابت کرنا ہے. یہاں تک کہ کوئی اسٹوڈنٹ بھی ہوگا تو وہ یہ نہیں کہے گا میرا نام عبد الکریم ہے, وہ کہے گا میرا نام عبد الکریم ہے, میں تھرڈ ایئر میڈیکل اسٹوڈنٹ, ایم بی بی ایس. کس نے پوچھا تھا یار؟ کیونکہ اس کے ذہن میں ہے جب تک میں یہ نہیں کروں گا, یہ نہیں کہوں گا تو میری کوئی قدر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, کوئی اور ہوگا سر میں والنٹیئر ہوں لیکن میری وجہ سے یہ سارا پروگرام ہو رہا ہے. اپنی ویلیو اسٹیبلش کرنی ہے, ٹھیک ہے نا, گھروں کے اندر بڑوں کی ویلیو اسٹیبلش ہو گئی, جب اسٹیبلش ہوئی اس کا مطلب ہے چھوٹوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کبھی کبھار آپ کے گھر میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس عمر پہ پہنچ گئے ہیں کہ ان کی اب جاب نہیں ہے, ان کی کوئی ریلیونس نہیں ہے, ان کی وجہ سے اب گھر کا خرچہ نہیں چل رہا, تو اب کیونکہ ان کی ریلیونس نہیں رہی نا, تو گھر میں کوئی بھی فیصلہ ہونا ہوتا ہے تو بس ایک شخص اس کی مخالفت کرتا ہے, وہ بندہ جو ریٹائر ہو چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ مخالفت کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں آپ کیوں, آپ کی وجہ سے نہیں ہو رہا, اب اس کو لگتا ہے اب میں دوبارہ ریلیونٹ ہو گیا, مجھ پہ آ کے سوئی اٹک گئی. تو یہاں پر ایک عجیب سا کلچر بن چکا ہے کہ ہر ایک کو اپنا مقام ثابت کرنے کی ضرورت ہے, اور اس پروسیس میں کسی اور کو اس نے نچلا کرنا ہے. تو اسکول میں جو بڑی کلاس کے بچے ہیں وہ چھوٹی کلاسوں کے بچوں کو بلی کریں گے اپنا مقام اسٹیبلش کرنے کے لیے, ٹیچر کلاس میں کرے گا, ہیڈ ماسٹر ٹیچر پہ کرے گا, پرنسپل ہیڈ ماسٹر کے ساتھ کرے گا. ہر ایک کو بس ایک رینک اور ایک اسٹیٹس سے ابسیشن بن چکی ہے, اور اسی لیے یہاں پر تعلیم کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ اب ینگ لڑکے لڑکیاں تعلیم اس لیے حاصل نہیں کر رہے کہ ان کا ذہن کھلے گا, وہ دنیا کو ایکسپلور کریں گے,
कोई नई खिदमत जहाँ वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, कोई नई चीज़ इन्वेंट करेंगे, कुछ एक्सप्लोर करेंगे, नहीं, साथ में डिग्री का एक टाइटल लगेगा तो मेरा एक मकाम होगा, मैं ये कह सकूँगा कि मैं ये हूँ, मेरी ये डिग्री है। और इस कल्चर को अभी हमें तोड़ना है। आप कह रहे हैं ना छोटा बच्चा ये बात कर सकता है, सही बात कर सकता है, हम उसको क्यों डिसमिस करते हैं कि उसका भी कोई स्टेटस नहीं है। अगर वही 100% बात कोई PhD कर दे तो आप फौरन सुन लोगे, बल्कि PhD वाला कोई उल्टी सीधी बात भी करेगा ना तो आप कहेंगे बिल्कुल सही कहा है सर, आपने बहुत बेहतरीन बात की, ऐसी बात तो मैंने कभी सुनी नहीं जिंदगी में, ठहर जाए मैं लिख लूँ अपने माथे पे लिख लूँ ये बात। ये पागलपन बन चुका है, स्टेटस का इतना मकाम हो गया कि अकलेमंद हो गई है। जो अकल की बात कर रहा है, तुम होते कौन हो भाई, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, क्या कुछ पढ़े हुए। जो बात कही जा रही है ना, अली रज़ी अल्लाह तआला का बड़ा मशहूर कौल है कि हम बात को पहले सुनते हैं, बात करने वाले को बाद में देखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, वो मुंह खोलने से पहले ही पहले क्या देखते हैं, इसका हुलिया देखो, इसका ये देखो, इसका वो देखो। मैं जाने से पहले मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक फ़र्ज करें खुतबा हो रहा है, खुतबे में कुछ लोग देर से आते हैं तो उनको मस्जिद के अंदर जगह नहीं मिलती, बाहर सहन में कहीं जाके मिलती है। खुतबा शुरू होता है, जो खतीब है बड़ी ज़बरदस्त उसकी अरबी है, बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की उसने, सारे जो बाहर बैठे ना हैरान कि ये कौन आलिम है जो आया, इसने ऐसी ज़बरदस्त तकरीर की, ऐसी किराहत की, माशाल्लाह शेख, मैं जाके उनके हाथ मिला लूँ, वो कुछ मेरे ऊपर फूंक मार दें, कुछ कर दें, थोड़े उनके बैक्टीरिया मेरे ऊपर गिर जाएँ तो शायद, यू नो। लेकिन अंदर हुआ ये कि कोई 17 साल का लड़का था, उसने बनियान पहनी, टी शर्ट पहनी हुई थी, जीन्स पहनी हुई थी, उसने जाके माइक पकड़ के खुतबा देना शुरू कर दिया। जो अंदर बैठे हुए हैं ना वो पागल हो रहे हैं कि इसको रोको, ये तो वाजिबुल कत्ल है, इसको अब तो हमें कितने बकरे ज़िबा करने पड़ेंगे अपने गुनाह के लिए कि इसके पीछे हमने नमाज पढ़ने लगे हैं हम। अंदर वालों का रिएक्शन कुछ और, बाहर वालों का रिएक्शन कुछ और, क्यों, किस एक चीज़ से? जो देखा है उसको पहले जज किया, जो बात कही जा रही है वही बंदा जो पागल हो रहा था अंदर बैठा हुआ, अगर वो बाहर बैठा होता और वो बात सुनता वो क्या कहता, माशाल्लाह आज तो कहीं लगता है बाहर से किसी को बुलाया है। समझ रहे हैं बात, हमने अब वैल्यू आर्टिफिशियल चीज़ों में डाल दी है। उम्र एक आर्टिफिशियल चीज़ है, डिग्रीज आर्टिफिशियल चीज़ है, हक बात किसी से भी हो सकती है। असल में यही तो मर्ज था बनी इसराइल का, क्यों कह रहे थे रसूल की बात नहीं माननी, वो कहते हैं हम उलमा हैं, हमने 20-20 साल पढ़ा है, हमने इन किताबों के अंदर अपनी उम्र गुजारी है, हमारे हाथों पे तो स्याही लगी होती है, इसलिए उन्हें अखबार कहते हैं, खबर से हमारे हाथ ज़िंदगी गुजर गई सफ़े पलटते पलटते, और ये बड़े आए, इनको इन पर नाजिल हो रही, वही नाजिल हो रही है, इनको तो पढ़ना भी नहीं आता, इनकी क्या क्वालिफिकेशन है। तो यही तो इम्तिहान था अल्लाह ताला ने लिया कि उनके जहन में एक चीज़ बैठ गई थी कि क्वालिफिकेशन या एक स्टेटस, उसके ज़रिए से वैल्यू आती है। और यही चीज़ हमने बस इस तरह से अपने अंदर हम ले आए इसको कि जैसे यही असल हकीकत है, इसको हमें अपनी सोसाइटी से निकालना होगा। आखिरी सवाल यहाँ से जी, आपके पास माइक है जी, वाइफ साहब। लड़की क्या, अच्छा देखें, जो इंसान ज़्यादती करता है ना, वो आप ये मत कहें कि मैं दुआ करूंगी तो ये इंसान बदल जाएगा। दुआओं से इंसान ऐसे, हमने दुआ का कॉन्सेप्ट भी कुछ और ही बना लिया है, दुआ का मकसद ये है किसी और को बदल दे मेरे रब, मेरे हस्बैंड को बदल दे, मेरी बीवी को बदल दे, उनका दिल, फलाने का दिल बदल दे, फलाने का दिल बदल दे। दुआ को हमने किसी और इंसान के लिए अपनी मर्ज़ी का रिमोट कंट्रोल बनाया हुआ है।
जो अल्लाह ने उससे पूछना है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसकी जो ज़िम्मेदारी है। मैं ये आपसे आपके सामने ये बात पेश करूँगा कि हमारे कल्चर में हमने बहुत ज़्यादा ख़राब शादियों में भी, जहाँ बहुत तरह की अब्यूज़ हो रही है, उसमें हमने तलाक का रास्ता बंद किया हुआ है। क्योंकि तलाक जो है वो मौत से भी बुरी चीज़ है हमारे यहाँ। कुरान में नहीं, कुरान ने कहा है वह ई तफरक़ा युग्निल्लाहु कुल्ल मिन सअतिही, अगर वो आपस में अलग हो भी जाते हैं तो अल्लाह दोनों को अपनी गिना में से दे देगा, अल्लाह अपनी वसत में से दोनों को गिना देगा। ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह ने उम्मीद दी है कि ठीक है ये एक एपिसोड था तुम्हारी ज़िंदगी में, बट लाइफ मूव्स ऑन, इट्स ओके। इसीलिए अगर आप सहाबा की जिंदगियों का मुताला करें तो जायज़ वजूहात की वजह से तलाकें हो जाती थी, लेकिन इससे कोई मातम नहीं होता था, इससे किसी की बेइज्जती नहीं होती थी, कोई पूरी फैमिली बर्बाद नहीं हो जाती थी, कैंसर नहीं हो जाता था। अच्छा, एक बेटी की तलाक होती है तो बाकी बेटियां तो इनकी तो शादी हो ही नहीं सकती, इनके घर में तो एक ऐसा मर्ज है तलाक वाला कि बाकी उसके लिए वो लायक ही नहीं है शादी के। हमने ये जाहिलाना मुशरिकाना कॉन्सेप्ट जो है ना, ये अपने घरों में ले आए हैं। देखिए, हमारी जो बेटियाँ हैं ना, उनका एक हक है, उनका वही हक है जो हर इंसान का होता है, उसकी इज्जत होनी चाहिए, उसकी हिफाजत होनी चाहिए। अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा हो रहा होता तो बाप होने के नाते मैं कहूँगा, देखो बेटा, मैं तुम्हारा वली था, मैंने उसको तुम्हारा वली बनाया, वो वली होने का हक अदा अगर नहीं कर रहा तो वापस आ जाओ, मैं फिर तुम्हारा वली बन जाता, आ जाओ वापस, हिफाजत करूँगा तुम्हारी, तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी। अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता तो उस फैमिली को उसको सपोर्ट करना चाहिए, इसको अपनी इज्जत पर दाग समझने के बजाय। अगर आप ये करोगे ना तो आप ज़्यादती का रास्ता खोल रहे हो, जो शुरू में मैंने बात की थी प्रिंसिपल की, जो बात की थी ज़्यादती हो रही है और चुप रहना है, या ज़्यादती हो रही है उसको इग्नोर करना है। अब आपको समझ में आ रहा है कि वो चीज़ अगर एक दफ़ा समझ में आ जाए तो किस किस ज़िंदगी के हिस्से पे उसकी एप्लीकेशन होती है, कि हर ज़िंदगी का शोभा जो है वो बदलना शुरू हो जाता है। तो मेरी दरख्वास्त ये होगी कि ऐसी लेडीज़ को जो ऐसी सिचुएशन में फंसी हुई हैं, उनको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, उनको अपना हक मांगना पड़ेगा, और उनको ये कहना कि मैं किसी ऐसे शौहर के साथ हूँ जो मारता भी है, उसको गुस्सा आता है, वो मारता भी है, एक दो लातें भी मार देता है, एक ये भी होता है, ये भी होता है, गालियाँ भी होती हैं, ये भी होता है, लेकिन किसी तरह बस चला लूँ मैं। अगर इस तरह आप चलाओगी ना तो कैसी माँ बनोगी? आपके बच्चे क्या जब बड़े हो रहे होंगे तो क्या देखेंगे? और वो देख के आपका क्या ख्याल है कि उनका उन पर इसका असर नहीं होगा? आगे जाके वो लड़का जो इस घर में बड़ा पला बड़ा है, जब उसकी शादी होगी वो कहेगा, मेरी माँ के साथ भी तो यही करते थे अब्बा, मैं भी यही करूँगा, यही तो करने का तरीका है, वरना उसके लिए तो मिसाल उसकी बाप है ना। क्योंकि आपने नाइंसाफ़ी देखते हुए कुछ नहीं बदला तो नाइंसाफ़ी फिर इस कल्चर का हिस्सा बन जाएगा, और काफ़ी हद तक बन चुका है। अब हमें कुरान की ज़रूरत है कि उन हिस्सों को हम दोबारा निकालें, फारग करें, ताकि हमारे कल्चर की जो असल खूबसूरती है वो दोबारा वापस सामने आए। Jazakumullahu khairan. Thank you so much, everybody, for listening. That was the last question. If on my way, I know, but I have to go. But you can talk to me off the mic. Come over here, inshallah. So, inshallah, I'll see you guys again. Bi-idhnillah. It was a really nice time in Bahawalpur. I'll see you again. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.